दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले Realme C12 में ऑटोमेटिक वॉलपेपर जो चेंज हो जाते थे उन्हें आपको कैसे बंद करना है, कैसे बिल्कुल रोकना है। तो दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए क्योंकि वीडियो काफी अच्छी और नॉलेजेबल होने वाली है आपके लिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ा लेते हैं। दोस्तों उससे पहले जान लीजिए दोस्तों मैं हूं चैनल का होस्ट आपका अपना दोस्त विमलेश कुमार। अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। दोस्तों इस तरीके से आपको Realme C12 की सेटिंग में आ जाना होगा। ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने का दोस्तों यहाँ पे को ऑप्शन मिल जाता है होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन का मैगजीन का, ठीक है। इस तरीके से आपको ऊपर स्क्रॉल कर देना है। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है लॉक स्क्रीन मैगजीन का, यहाँ पे आपको इस तरीके से टैप कर देना है। दोस्तों आप देख सकते हैं ये दोनों ऑप्शन आपको इस तरीके से बंद कर देने हैं। जैसे हमने ये दोनों बंद कर दिए, इस तरीके से बंद करने का दोस्तों आपको चलिए हम वापस लेके चलते दिखा देते हैं। दोस्तों इस तरीके से मैंने लॉक लगाया, यहाँ से फिर ओपन किया, फिर लगाया, फिर ओपन किया। दोस्तों यहाँ पे कुछ भी ऑटोमेटिक वॉलपेपर चेंज नहीं हो रहा है। तो यानी कि दोस्तों हमारे जो ऑटोमेटिक वॉलपेपर थे वो बंद हो चुके हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भूला करो। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आपके लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।